तो इस बार शिवर के लोग बाहरी बैस को भी नेता नहीं मानेंगे। अगर बाहरी अगर स्वर्ण अगर आकर आनंद मोहन जी कहें कि मैं नेता हूं, तो यहां के स्वर्ण भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। इस बार तीर भी टूट जाएगा, लालटेन भी फूट जाएगा, और जो बाबा बुलडोजर को लेकर आए हैं रोड रोलर को, वह बुलडोजर को इस बार सदन में भेज देना है। काफी लोगों में उत्साह है। जहाँ जा रहे हैं हम लोग, वहाँ सारे गाँव के लोग टूट पड़ रहे हैं। माने एक अलग मुस्कान है लोगों के चेहरे पर, देख लीजिए आपके सामने है। आप मुझे मदद कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला 5 साल में शिवहर के लिए वो सब करूँगा जो करना चाहिए। योगी अखिलेश्वर दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चुनावी जनसंपर्क लगातार जारी है, इस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? पूरे क्षेत्र में लगातार मैं भ्रमण कर रहा हूँ, और आज पताही प्रखंड के हम सभी के ग्राम पंचायत में पंचायत दौरा है, और लगातार लोगों में जो उत्साह है, एक बार सभी ने विचार कर लिया है कि इस बार तीर भी टूट जाएगा, लालटेन भी फूट जाएगा, और जो बाबा बुलडोजर को लेकर आए हैं रोड रोलर को, वह बुलडोजर को इस बार सदन में भेज देना है। काफ़ी लोगों में उत्साह है। ऐसा माहौल दिख रहा है, महा बिल्कुल पूरा शिवर भगवामय हो गया है। पूरा शिवर बाबा जी के साथ चलने को तैयार है, पूरा भगवा में रंग गया है शिवर। और देखिएगा, जब 4 जून का जब बुलडोजर जब खुलेगा EVM, तो उसमें बुलडोजर के सिवाय दूसरा कोई आपको नहीं दिखेगा। दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कह रहे हैं कि आप लड़ाई में ही नहीं है, वोट काटने के लिए खड़े हैं। अब तो 4 जून को मालूम चलेगा कौन लड़ाई में और कौन नहीं है, अभी तो बोलना काम है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है लोगों का, क्या समस्या निकल कर सामने आ रही है? समस्या तो बहुत है शिवर का, विकास का। देखिए शिवर जी, शिवर लोकसभा के जानते हैं, मेडिकल का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है शिवर के अंदर में, कहीं भी देख लीजिए मेडिकल सुविधा उतना अच्छा नहीं है। बिलवा घाट पुल देख लीजिए, रीघा चीनी मिल देख लीजिए, बर्गनिया ट्रांसफार्मर का देख लीजिए, ऐसा कोई भी एफएचई नहीं है जिससे लॉन्ग लाइफ हो, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन इसमें मुख्य मुद्दा यह है, इस बार बाहरी भगाओ और शिवर बचाओ। जिस प्रखंड में आप घूम रहे हैं, इस प्रखंड में रोड की काफी दयनीय स्थिति है। मैं घूम रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, और चुनाव के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इतने लाख पर जीत रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वो कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव जीत रहा हूँ यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और शिवहर की जनता जनार्दन इस बार बहुत ही बुद्धि विवेक लगा रही है, और सबने विचार कर लिया है। वो सब बोल रहे हैं महाराज जी हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं पत्थर, लेकिन 25 तारीख को जब बटन दबाएंगे ना, तो रोड लोडर यानी 11 नंबर पे ही दबाएंगे। भाजपा के कई नेता हैं लगातार कह रहे हैं कि भाई बैस के सबसे बड़ा नेता मोदी जी हैं, उनसे बड़ा नेता शिवहर में कौन आ गया है? तो बैस के नेता मोदी जी बिल्कुल उसमें तो रहे हैं, लेकिन शिवहर में चाहिए ना, शिवहर में तो आगे काम नहीं करेंगे, शिवहर का तो विकास नहीं कर पाएंगे, वहाँ से भेजेंगे, लेकिन इस बार शिवहर का चाहिए। इसलिए बाहरी अगर कोई बैस अगर यहाँ पर सोच ले कि हम RJD से टिकट लेकर अगर बैस मुझे यहाँ का नेता मान लेगा, तो इस बार शिवहर के लोग बाहरी बैस को भी नेता नहीं मानेंगे। अगर बाहरी अगर स्वर्ण अगर आकर आनंद मोहन जी कहें कि मैं नेता हूँ, तो यहाँ के स्वर्ण भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। अगर नेता होगा तो यहाँ के लोग शिवहर लोकसभा क्षेत्र के स्वर्ण को नेता मानेंगे, और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बैस के नेता मानेंगे। इसलिए इस बार शिवहर सनवर्षा भी नहीं बनेगा और सहरसा भी नहीं बनेगा मेरे मित्रों, इस बार शिवहर शिवहर रहेगा, और लोकल फॉर वोकल की तरह यह शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। शिवहर नेता विहीन नहीं है, मेरा संकल्प एक ही था, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा, शिवहर अगवा नहीं होगा, शिवहर का राजनीति अपराधिकरण नहीं होगा, शिवहर में परिवारवाद नहीं चलेगा, शिवर में किसी प्रकार के अब लंठाई नहीं चलेगा, शिवर में संत आ रहा है। इसलिए मेरे आने के बाद जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। योगी जी, आप लगातार स्थानीय और बाहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी उनका कहना कि आपने नॉमिनेशन में जो अपना डॉक्यूमेंट दिया, आपने तो खुद महाराष्ट्र के हैं, तो कह रहे भाई बाबा जी तो खुद महाराष्ट्र के हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा मुद्दा है, और मैं इस मुद्दा पे मैं कल भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा हूँ कि मेरा कर्म भूमि महाराष्ट्र रहा है। मैं श्री राम बालाजी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट प्रभनी का महंत, ये सब जानते हैं, कोई यहाँ भी किसे पूछेंगे तो पहले बोलेंगे बाबा जी महाराष्ट्र के, लेकिन मेरी जन्मभूमि ढाका है, रामचंद्र ये सब जानते हैं, बिहार का हूँ, मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि कर चुकाने के लिए कर्म भूमि से मैं जन्मभूमि को लौटा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं वहाँ का महंत हूँ, और ये गर्व होना चाहिए। इंसान वही गिरता है जो अपने अतीत को भूल जाता है, मेरा अतीत वही है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब शिवर की सेवा के लिए आऊँगा तो हमेशा शिवर का होकर रहूँगा, शिवर की सेवा करते रहूँगा। बाबा जी आप बैस की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि भाई शिवर में कोई बैस चलने वाला नहीं है, इस बार सिर्फ 400 पार करना है। शिवर में इस बार तीर भी नहीं चलेगा और लालटेन भी नहीं चलेगा, शिवर में तीर लालटेन नहीं चल रहा है,
इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसमें शिवहर में बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं दिखेगा, सब हवे हवाई रह जाएंगे। गांव का अंतिम दौर चल रहा है, क्या कहेंगे मतदाताओं से, क्या बस आपके माध्यम से जागरूक मतदाता से विनम्र निवेदन है कि आप अपने भविष्य को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, शिवहर के विकास को देखकर, परिवारवाद और जात पात से ऊपर उठकर, मेरी कोई जाति नहीं, मैं सबका हूँ, सनातनी हूँ, और आप मुझे मदद कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला 5 साल में शिवहर के लिए वो सब करूँगा जो करना चाहिए। बाबा जी का जनसंपर्क चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है, लगातार फील्डिंग टाइट किए हुए आप लोग, पूरा शिवहर योगीमय हो गया है, इससे ज़्यादा क्या माहौल रहेगा। नहीं भागवाधारी 400 पार करना, इसमें कुछ किसी का उस 400 पार में हमारे ओरिजिनल कैंडिडेट जोगी अखिलेश्वर दास ही रहेंगे, ये शिवहर का मानना है। शिवहर दिख रहा है, घूम रहे हैं क्षेत्र में एकदम बेहतरीन, लोगों का सुझाव किस तरह मिल रहा है, बहुत अच्छा, पूरा भगवामय हो गया है शिवहर, जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ सारे गांव के लोग टूट पड़ रहे हैं, माने एक अलग मुस्कान है लोगों के चेहरे पर, देख लीजिए आपके सामने है। इस बार हम लोग मन मना लिए हैं कि बाबा को ही लाएंगे जी, और तीर तो नहीं चलाएंगे जी, नहीं तो चलाएंगे, क्योंकि बाबा आएंगे तो बीजेपी में जाएंगे, और हम लोगों को सरकार में चाहिए नरेंद्र मोदी, और बाबा को लाएंगे, और इधर तीर से आए हैं तो तीर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, और हम लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, हम लोगों को कोई डर नहीं है, ना कोई भय है, ना कोई कुछ है।